अरे ओ, जरा अपने मैकेनिक को बोलो, हमारी गाड़ी भी ठीक कर देगा, खराब हो गई है। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये मैकेनिक नहीं है, ये मेरे हस्बैंड है। आप एक काम करिए, आप ये फोन लीजिए, मैकेनिक को कॉल कर लीजिए। क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है हमारे पास फोन नहीं है? तुमसे महंगा फोन है, लेकिन हम मैकेनिक को कॉल नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अपने पति को बोलो कि हमारी गाड़ी भी ठीक कर देगा, वैसे भी खर तो रहे दूसरों की गाड़ी ठीक, हमारी भी कर देगा, इसमें क्या है? देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है, ये गाड़ी हमारी है इसीलिए वो ठीक कर रहे हैं, और अगर आपको अपनी गाड़ी ठीक करानी है तो आप मैकेनिक को कॉल कर लीजिए। क्या कहा तुमने? ये गाड़ी तुम्हारी है? अरे तुमने कभी देखी भी है ऐसी गाड़ी? पता है कितनी महंगी आती है ये? अरे कनिष्का, तू समझी नहीं, ये गाड़ी इनकी नहीं, इनके बॉस की होगी। वो क्या है ना, अपनी समझ के घुमा रहे होंगे और गाड़ी खराब कर दी होगी, और अब फटी पड़ी है, ठीक कर रहे हैं अपनी। हाँ, कह तो तू सही रहा, यही बात होगी। वैसे भी अगर तुम इस गाड़ी के ओनर होते ना, तो तुम इस गाड़ी को ठीक नहीं कर रहे होते, बल्कि मैकेनिक को बुलाते। देखिए मैडम, ये मेरी गाड़ी है या नहीं है, या मेरे बॉस की गाड़ी है, आपको उससे क्या मतलब? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए, आप जाइए प्लीज। अरे इसके नखरे तो दे, कितने नवाबों वाले हैं। अरे हम तेरे को कौन सा कुछ कह रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी ठीक कर दे, अपनी भी तो कर रहे हैं ना। और वैसे भी हम तो सिर्फ फ्री में काम नहीं करा रहे हैं, हम बदले में तुझे पैसे दे देंगे, जितने तुझे चाहिए, एज एन मैकेनिक काम करते बस। अरे मैम बहुत हो गया, हम कब से आपसे प्यार से बात कर रहे हैं और आप की बदतमीजी में बदतमीजी करे जा रहे हैं, और ये कोई तरीका है हेल्प मांगने का? अरे ओ, तुझे सुनाई कम देता है क्या? हम तुमसे हेल्प नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो अतुल, वो कौन सा वर्ड है, एहसान। हाँ, हम तुम लोगों पर एहसान कर रहे हैं, ताकि तुम हमारा काम करो और हम तुम्हें बदले में पैसे दें, और तुम्हारी मदद हो, ताकि तुम दो वक्त की रोटी खा सको, समझे? मैडम आपका नाम बहुत हो गया, अगर ना मुझसे प्यार से बोलते, प्यार से हेल्प मांगते, तो शायद मैं आपकी हेल्प करता, पर आपने जिस तरह बिहेव किया मुझसे वो बहुत ही ख़राब था, सो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा, अपनी गाड़ी आप खुद ठीक कर लीजिए, हमें माफ़ कीजिए। देख, ये सारे छोटे काम ना हम जैसे हाई लेवल के लोग नहीं करते हैं, बल्कि तुम जैसे लोग करते हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि हमारी गाड़ी ठीक कर दो, लेकिन तेरे तो अलग ही भाव है। अरे कनिष्का, ये ना तेरे बारे में जानते नहीं होंगे कि तू कौन है, अगर तेरे बारे में जान लिया ना, हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगेंगे और तेरी गाड़ी भी ठीक करेंगे। देखिए हमें ये तो नहीं पता कि आप कौन है, पर आपको पता है कि ये कौन है? नहीं प्रीत छोड़ो, मुझे ना अब देखना है कि अगर उनकी कार ठीक नहीं करता तो ये क्या कर लेते। तो मैडम मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आपको जो भी करना ना आप करिए। कनिष्का, लगता है इसको ना इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, तो एक काम कर, अपने भाई को फ़ोन कर ही दे, तब इसको पता चलेगा कि तू कौन है। हाँ कह तो तू सही रहे, अब ना मेरा भाई इनको इनकी औकात दिखाएगा। ऐसा है तो एक काम कीजिए, आप ना बुलाइए अपने भैया को, मुझे देखनी है हमारी औकात कितनी है, आप बुलाइए। मेरा भाई इस एरिया का इंस्पेक्टर है, और अगर वो आ गया ना, तो तुम दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप बुलाइए। ठीक है। हेलो भाई, जल्दी से पीछे वाली कॉलोनी में आओ। लो, आ गया मेरा भाई। क्या हुआ कनिष्का? अच्छा हुआ भाई आप आ गए, देखो इसे, दो कोड़ी का मैकेनिक मुझसे बकवास कर रहा था, मैंने इसको बोला कि मेरी गाड़ी ठीक कर दे, उल्टा मुझे जवाब दे रहा है। अच्छा, जरा मैं भी देखूं कौन है जो मेरी बहन को परेशान कर रहा है। अरे सर, आप जैन सर के भाई? आप इन्हें सर क्यों बोल रहे हो? अबे कनिष्का, तू पागल है क्या? तू नहीं जानती है ये कौन है? कौन है भाई? कनिष्का, ये यहाँ के आईपीएस ऑफिसर है, मिस्टर सचिन रावत। क्या? आईपीएस? जी, आईपीएस ऑफिसर, जिसको अब दो कौड़ी का मैकेनिक कह रही थी। आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप आईपीएस ऑफिसर हो। क्यों, आईपीएस होने पर ही क्या मुझे आप इज्जत देंगी, मुझसे आप ठीक से बात करेंगे? जो मैकेनिक होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती क्या? सबकी आप इज्जत कीजिए और उनके काम की भी, समझिए आप? आई एम सो सॉरी। कनिष्का तू चुप रह। एंड सर, कनिष्का की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये अभी बच्ची है, नादान है, और इसमें अकल की कमी है। हाँ दिख रहा है मुझे कि अब ये नादान है, इसमें अकल नहीं है, और ये घमंड कहाँ से आ रहा है? तो समझाइए इसे किस तरह बिहेव करते हैं लोगों से, और उसके बाद मुझे मिलना मेरे ऑफिस में। ओके सर, बाद में मेरे ऑफिस में, प्लीज चलो। सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था। तू ना मेरे साथ घर चल, तुझे तो मैं घर ही में बताऊंगा।